था कि एक बेटी माँ के साथ रोटी लेने गई तो रोटी लेके घर आई और ब्रेड, तो थोड़ी देर में माँ को दोबारा कह दिए, मैं दोबारा रोटी ले आऊँ? उसने बोला, अभी तो लाए थे। कहा, वो ठंडी हो गई। अच्छा, ले आऊँ? दोबारा लेने गई, दोबारा ब्रेड लेकर आई, थोड़ी देर में फिर बोला, मैं फिर ले आऊँ? बोला, फिर क्या? कहता, वो ख़राब हो गई। अब वो रोटी लेने बार बार जा रही है, तो उस्ताद नकवियान कहते हैं, असल में उसे ब्रेड नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। वो फारसी में कहा, बहुत खूबसूरत जुमला था, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। कहा, वो दुख्तर यानी वो लड़की आशिक पिसर नानवाई शुदे, यानी वो लड़की उस रोटी वाले के बेटे की माँ इश्क में गिरफ्तार हो गई है। रोटी नहीं है, वो बार बार उसको वो चाहिए। कहा, ये जो मस्जिद में बैठना चाह रहे हैं, असल में ये आशिक हो गए हैं परवरदिगार के। ये जो बार बार कह रहे हैं, हमें जगह दे दो, हमें बैठ दो, हम ये शौक, जब ये इश्क हो तो सबर है, इबादत में भी गुनाह भी छूटेगा और मुश्किल में भी। ये शौक क्रिएट करना है, किसकी तरफ है ये सब, किसके लिए है, कौन रिवॉर्ड देगा सबर का? मैं दूंगा? आप देंगे? नहीं, उसने देना है। तो उससे इश्क करें, उससे जुड़े, फिर हम उसकी बारगाह में जाएं। वो इंसान जब उसकी बारगाह की तरफ जाता है, वो फिर अजीब इश्क हो जाता है। फिर आदमी एक जुमलों से चेंज हो जाता है, एक लफ्ज से चेंज हो जाता है। आदमी सारी जिंदगी सोचता है, हमने इतनी किताबें पढ़ ली, हमने इतना कुछ कर लिया, उसने शायद एक लफ्ज सुना, वो आशिक हो गया, वो उसी एक जुमले के इश्क में गिरफ्तार है। हम भी अपनी जिंदगी में देखें, जाने मोहतरम, मैं किस चीज से इश्क करता हूं,